नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज। अरे सो सो झंझट के झाटे न्यूज कहीं यहाँ कौन है? इंटरव्यू ले रहा है, गलती हो गया, चलिए आगे लेंगे। रोहित जी चलिए, किसी न किसी का इंटरव्यू लेकर रहेंगे आज। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए बकरी है और उसका हम लोग इंटरव्यू करेंगे। चलिए उतरिए, स्टैंड पे लगाइए, कैमरामैन फोकस करो। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज संतोष गुप्ता के साथ, और यहाँ पे बकरी का हम साड़ियाँ झाट खड़े आईली। हमरो कौन सा नाम लेना? कैमरामैन फोकस करो। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज संतोष गुप्ता और रोहित सिंह के साथ। चलिए इनका इंटरव्यू लेते हैं और इससे पूछते हैं कि इस बार कौन जीतेगा अमेरिका चुनाव में, और इस बार चुनाव का टक्कर है भाजपा और कांग्रेस का। तो आप सही सही बताएं कि इस बार भाजपा जीतेगा कि कांग्रेस? अरे साला तो मैं करता है, कहता है मैं, निर्दलीय खाला है क्या? हाँ एकरो मार्केट में खूब हवा है। अरे रुक 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 रुक, कैमरा चालू करो, कैमरा मैन फोकस करो। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज संतोष गुप्ता और रोहित सिंह के साथ। सर आप सही सही बताइए कि अमरी लालटेन जलेगा कि कमल खिलेगा? हमारे तू झाट पूछे सके, जाना चाहे दुकान पर पूछे। अब अगली के जलमन सर दौड़ के कहे कि दूरा बाहर द, दौड़ के अगना बाहर द, दौड़ के बर्तन मैद द, दौड़ के गेहूँ चुन द, सब के हम देव तो सब खाली भर 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 थरिया खेतन। बाप रे बाप, इतना रौदा एह में स्कूल जो आज याद कर, अभी हन वही याद कर, साले के बाप के हतीन हम नौकर, रुपयो हमरा से लेतन, यादो करी स्कूलो जाई, छाट के मुड़ी मार मारी हमार हाई पढ़ाई के, हमको स्कूल नहीं जाना, हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना। कथी भेल रे दोगलावा, पहले यहाँ बैठ। प्रणाम भौजी। छीन रही लड़को फैका ना बुझाई, तोरा लड़का बुझाई छा, लड़का गोसाइल कैला हो? पूछो ना गोसाइल हो तो झाटला। सुन लियो भौजी, तोहर बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ई छ, हम एगो क्वेश्चन लेके आयल रही, पूछ लियो। भाग छीन रहा पूछ लो ना। ए बेटा सुन लिया, इंग्लिश में पढ़ाई छे, वो क्वेश्चन है पूछियो। हाँ रे सर पूछना। अच्छा बेटा तो आई डोंट नो के हिंदी बोलता? मुझे नहीं मालूम। दोगला कहीं के समूह में से पैसा उठा उठा के सब यानी के दे दिलिए, सब दे दिलिए, सब पैसा के पानी में फूंक दिलक, सब पैसा के खाली चाय के दुकान पर बाप से गान मरवत रहे। पूरा चक्कर में 10 कट्ठा खेतो भरना रख दिली पढ़ावे के। तो हम छात्र करियो की छात्र करियो की एगो एगो सवाल के माने के जवाब ना दियो, एगो सवाल के जवाब ना। आ इंग्लिश पर हम इंग्लिश पर हम सारा पैसा पानी में बहा चो, सबरा घर में आके हमरा मतारी बेटा में झगड़ा लगोय सर, सही में सब झगड़ा। साला तीन दिन से फोन करेंगे, साला फोन न उठवाइया, पैसा का जरूरत होता तो पापा पैसा दा, साले के आवे दा, मार बांस के साले के देह चौरा कर, साले के पैसा चाहिए तो यहाँ पापा पैसा दा, मारे लाठी के साले के देह फाड़ दे। गंदा लग गया मेरी जान को बाबू पर नाम। अरे सलाई गाड़ी कहाँ से लाला? अरे केकर गाड़ी है रे? किल्ली है। अरे पैसा कहाँ से लाला? अभी गाड़ी की ना गान वाला ना दोनों आम बात है, इनसे गार लेके जाओ, इनसे इंसिगल नार लेके तुरंत चला। एगो तो साइकिल खरीद ली, बेटी चदवा फाइनेंसर खींच के लेके चल गेला। ई जे बुलेट खरीद के लाला ही तोहर नाना सदाता है सलाह, तू चौक पर बैठ के अपना बाप से गान मरवाई छी, तोरा काम देवे वाला है सलाह, भाग सलाह घर से निकल। वोट दिहन साले बीजेपी के, आ बर्तन धोवैन आरजेडी से, साले तोरा गान में चल जाता दुकान, रुक का। जितना धोबावे के धोबा लो, आरजेडी के सरकार बने दो, एकरा बाद लालू प्रसाद जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। सार कहीं कहते कहूँ था, अब की बार 400 पार।
एगो बिस्कुट लावा हो। लो 10 रुपया चाय के और 5 रुपया बिस्कुट के, 15 रुपया अभी के भेज लो। चाय तो पिए ले लियो हो, सरकार बम तऊ तो पैसा देबो न तो झाटे देबो पैसा। की रवि चा और सब है ना ठीक? सब बढ़िया। इलेक्शन तो अपना सकन हो गेलो देख रिजल्ट, लेकिन हमरा अंदाज हो 550 में 550 सीट बीजेपी के, मोदी जी जिंदाबाद, आरजेडी के कट कट कट। और 10 दिन रुकना जा, एक बाद ना देखिए लालू प्रसाद जीत। लालू प्रसाद हीरो कथी लालू लालू प्रसाद कहले है, मोदी जी जीतेगा तो जीतेगा। आठ 10 दिन के बाद ना पता चल सको। चुपचाप प्लेट धो ना, जितना काम करते उतना ही करो। चुप रहा ना, चाय बेचा इच्छा चाय बेचा ना, तू चुप रहा ना। 10 दिन तू चुप रहा, 10 दिन के बाद तोरा पता चलतो कि केकर सरकार बन रहल है। बीजेपी बनतो तो बनतो, आरजेडी बनतो, तोरा कहां से बनतो, तोरा कहां से बनतो, तोरा कहां से बनतो। चाय के दुकान करवाबे कि मार करवाबे, जब फूंक फाक देबो, फूंक देबो, फूंक ना देबो, फूंक देबो, फूंक देबो। रंगदारी है, बीजेपी के सरकार बन, आरजेडी के सरकार, बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी। जा रहल छी। की बात जाने छी? रे बाप रे बाप, ऊ गेली ह दुकान पर, साला दुकानदार दुकानदारी करैयन कि रंगदारी करैयन? तब आरजेडी के रखले है, रंगदारी कर रहा है दुकान पर, मारने के लिए उखड़ गया हमरा पर। बैठ कौन सारो देख ले बैठ, ओकरा इतना नहीं हो गया है? अभी इलेक्शन जीता नहीं है तब इतना रंगदारी? आज फरिया लेंगे, आज जे हो जाए। आ रहलियो हो बउओ, तोहरे किरिए कहतनी हम, ए राजा कहियो मामर। साला साइकिल चलाता है भाई जी, चाय का दुकान है क्या? तेरा बाप के घर का दुकान है। नहीं देखे थे कि बिस्कुट रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, इधर आप इसको हिला रहे हैं ना, हमको लगा चाय का दुकान है। जब तुमको सब दिखाई दे ही रहा है, हाँ। चाय का दुकान ना रहेगा? हमको सुनिए ना सर, इंटरव्यू लेना है सब लोगों का यहाँ पे, हम न्यूज वाले हैं, झंझट न्यूज। झंझट न्यूज से? हाँ। एक तो ऐसी पहले से झंझट हो रहा है, एक जगह एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ बीजेपी है। सुनिए ना, तुम और लड़ाने चले आए हो? हम ऐसा न्यूज वाला है कि झंझट नहीं होने देंगे, खाली हमें न्यूज का नाम है झंझट, न्यूज में झंझट नहीं होता है। देखते है कि यार तुम्हारा भी न्यूज कैसा होता है, तो कर लो न्यूज, हम भी देखते हैं। ठीक है सर, नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज, संतोष गुप्ता और रोहित सिंह के साथ। चलिए आज आए हैं चाय के टपरी पे और मिलते हैं हमारे आरजेडी प्रशंसक से और इनसे नाम जानते हैं, इनका नाम क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंटू यादव हुआ। झंटू यादव मारेंगे ऐसा ना थी ना कि गारे में माइक घुसा देंगे। नहीं, गलत शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम गलत शब्द का प्रयोग करते हैं? कौन आपको न्यूज में भेज दिया? चलिए झगड़ा नहीं करना, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं, ये जो गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब मोदी जी का देना है। एक मोदी जी के प्रशंसक थे जो कह रहे थे कि जैसे पारा 40 पार हुआ है, मोदी जी 400 पार चल जाएंगे। आप तो गांव-गांव घूमते होंगे, हर चाय के दुकान पर टपरी पर जाते होंगे, देखते होंगे कुर्सी टेबल वाला बेचने आता है तो कहता है 400 500 400 500, देख के कितना में जाता है, 100 150 100 150। वैसा ही झोरा लेके चल जाएंगे मोदी जी, 150 में 100 में। चलिए आप आरजेडी समर्थक है, आपका अभी बात सुन लिया, बीजेपी समर्थक से मिलते हैं, उनका क्या कहना है कि 400 पार होता है या नहीं, चलिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप बीजेपी समर्थक हैं? एकदम है। आपके गांव में यहां पे बहुत ज़्यादा आरजेडी का हवा चल रहा है, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अभी हवा कहाँ चल रहा है, अभी तो लू है, लू चल रहा है, अब तो अंधेरा आएगा कुछ। अरे वाह, आप भी बोल रहे हैं, आप भी बीजेपी समर्थक हैं? यस। वाह वाह, आपके गांव में कुछ सुनने को मिला है कि जैसे कहते हैं कुर्सी वाले आते हैं 500 400 रुपया कहते हैं, 150 में बेच के निकल जाते हैं, उसी तरह मोदी जी 400 400 400 हल्ला कर रहे हैं, 150 रुपये सिमट जाएंगे, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कुर्सी वाले आते हैं तो अपना गारो देही के जाते हैं, तब उनका से अब मोदी जी का आप हिसाब किताब रखिएगा। अरे मर्दे अतना आया अतना गोए, मोदी जी यहाँ के यहाँ हों या रहेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं क्या मंदिर बनने से गरीबों का पेट भरेगा, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मंदिर बनने से तो उद्धार हो जाएगा, राम जी होंगे, श्री राम है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप फिर से मोदी जी का झंडा लहराएंगे। इस बार बिहार में बीजेपी का कितना सीट आएगा, सोपले बताइए आप? इस बार
सबके सब 40। आई कराकार से पवन भैया तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। पवन सिंह जी इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक उनको हटा दीजिए, लेकिन वो आइए जाएगा सब, सब कह रहे हैं तो उनको कैसे हटा दे? अरे वो अपने आदमी है। ये नया बात सुनने को मिला है, कैमरामैन फोकस करे कि पवन सिंह बीजेपी का आदमी है। चलिए आज खुलासा होगा इस बात का कि पवन सिंह क्या बीजेपी का आदमी है या निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस पर बताइए क्या पवन सिंह भाजपा के आदमी है? तो भाई जी तू देख ला एगो बात बता रहे हो, तू सुना भाजपा के वो आदमी है कि नहीं है, लेकिन तुम हमको आरजेडी का आदमी लग रहा है। तुम उल्टा पलटी सवाल हमसे, उल्टा पलटी सवाल आपसे नहीं कर रहे। आपने कहा कि पवन सिंह बीजेपी का आदमी है, क्या इस पे बोलना चाहेंगे? फिर से आप बताएं। रिपोर्टर कौन है? झंझट न्यूज से हैं। फंस गए हैं आप, जवाब दीजिए इसका। कौन फंस गया है जी? आप फंस गए हैं। आपके आपके हिसाब से आप फंस गए हैं। आप रंगदारी मत कीजिए। आप फंस गए हैं। देख लीजिए हम, आप फंस गए हैं। हम हाई देख लीजिए मतलब। अरे कह रहे हैं कि आप फंस गए हैं जेल में। कौन से फंस गए? आप फंस गए हैं जेल में, केजरीवाल गए हुए थे, हम ये बात कह रहे हैं आपको। ओ अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद थे हैं और रहेंगे। चलिए एक बार जिसे मिलते हैं, इधर कैमरामैन फोकस कीजिए इधर। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद है। वो तो 10 दिन के बाद पता चलेगा, 10 दिन के बाद पता चलेगा। और वो कह रहे हैं कि पवन सिंह भी भाजपा के आदमी, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये उनका ठीका ले लें क्या? वो तो कह रहे हैं कि वो भाजपा के आदमी है। कहने से तो कहें यहाँ तक कह रहे हैं कि आरजेडी का एक भी सीट बिहार में आने वाला नहीं है। तो 10 दिन के बाद पता चल जाएगा, अभी लगा है, अभी तो बच गए हैं। चलिए देखिए, वो कह रहे हैं कि आपको 10 दिन में पता चल जाएगा। रंगदारी उनका छोड़ा देंगे, अभी भेंट नहीं हुआ है। पेटला बहुत बोले, ओकर लात फाड़ देबे हम। ओकर कह दिया, देखिए आपको कह रहे हैं कि पेटला लात फाड़ देंगे, आपको ऐसे कह रहे हैं। देखिए वहाँ बीजेपी वाले देह पर दोनों का कूद जाएंगे तो उठाए होगा, पूछिए ना। देखिए कह रहा है देह पर कूद जाएंगे तो आप लोग को उठाए होगा। तू रिपोर्टर कह रहा है कि मार फंसावे लो। मार नहीं फंसा रहे, सच्चाई से भागे मत। आप लोग कहे हैं कि उनका पेट फाड़ देंगे। झंझट झंझट करवाने आया? झंझट नहीं करवा रहे, आप लोग बोले हैं कि उनका पेट फाड़ देंगे, लात फाड़ देंगे उसका। देखिए आप कह रहे हैं कि लात फाड़ देंगे। हाँ तो लात फाड़ देंगे, तो आइए समझ लेते हैं। आप तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। तुम बदतमीजी से उतर जाते हो न्यूज वाले। रिपोर्टर बढ़िया नहीं है, दोनों में झंझट करवा रहा है। झगड़ा लगाता है ऐसा ऐसा रिपोर्टर से आप लोग रहिए दूर। ये लोग जहाँ जाएगा हरवा के रहेगा और झंझट हुआ के रहेगा, इसलिए झंझट न्यूज से बचे, झंझट न्यूज से आप लोग दूर रहे। दूर रहे। जय हिंद।